विश्वेशम सच्चिदानंदम वंदेहम योखिलं जगत चरी करती बरी भरती संजरी हरति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्कारोमि अहमस्मि मंथन भट्टः। अधुना वयं फिजिक्स पश्यामः। इन आवर प्रीवियस सेशन हमने स्टार्टिंग से देखा है कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और स्केलर क्या होता है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और ये सारी बेसिक चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की है। लेकिन अभी ना धीरे धीरे आगे जैसे जाएंगे वैसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला आएंगे तो उसके न्यूमेरिकल्स होंगे, उसके रिस्पेक्टिव एमसीक्यूज होंगे, इसीलिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे। लेकिन उसको ईजी करने के लिए पहले फॉर्मूला क्या है वो समझ लेते हैं। वंस वी नो दिस इज द फॉर्मूला देन वी कैन अप्लाई ईजिली। तो आज हम डिराइव करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स ए बार डॉट बी बार, जो होता है A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3, एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर विच इज ए बार क्रॉस बी बार, जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3। तो ये जो लंबे लंबे फॉर्मूले है, सो वी गोना डिराइव दिस फॉर्मूला। सो अभी ये ए बार डॉट बी बार का पहले डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। तो इनिशियली डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स क्या होता है वो देखेंगे, बाद में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स क्या होता है वो देखेंगे। क्योंकि इन कॉम्पोजिशन ऑफ वैक्टर्स हमने देखा कि वैक्टर प्लस वैक्टर इज इक्वल टू वैक्टर। दो वैक्टर को जब एड करते हैं तो जो रिजल्टेंट वैक्टर होता है दैट रिजल्टेंट वैक्टर इज ऑल्सो वैक्टर इन अ नेचर। बट अभी क्वेश्चन ऐसा है कि लेट्स से दिस इज ए बार हैव सम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स, एंड दिस इज वेक्टर बी बार हैविंग सम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड डिफरेंट देन ए बार, एंड बोथ द वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा, दे आर इन द सेम प्लेन, सो वी कैन से दे आर कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर का मतलब होता है सेम प्लेन में है, प्लेन यानी सेम सरफेस, सेम टू डिमेंशनल सरफेस में। ओके, सो दिस टू वेक्टर्स आर लाइंग इन अ सेम टू डिमेंशनल सरफेस। फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है वो, एंड दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ ईच अदर। दिस इज वेक्टर ए बार हैविंग सम डायरेक्शन एंड अ मैग्नीट्यूड, दिस इज वेक्टर बी बार हैविंग सम डायरेक्शन एंड अ मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स, एंड दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो डेफिनेशन क्या होता है ना डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स का वो पहले देखेंगे, देन उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और उसके बाद के लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है वो देखेंगे, देन उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। बोर्ड पे पूरा बोर्ड भर जाएगा, सारे के सारे फॉर्मूला आपके सामने होंगे, और जब आपको रिवाइज करना होगा आप इसका स्नैपशॉट लेके पूरा वापस देख सकते हैं कि हाँ ये स्टेप ऐसा था, ये स्टेप ऐसा था। और जो भी डिफिकल्ट टॉपिक होगा उसका अलग से मेंशन किया होगा लिंक में, बायो में, जिसमें आप देख सकते हैं। वो बायो में जाकर, लिंक में जाकर के ये पर्टिकुलर वीडियो को जो डिफिकल्ट हमें लग रहा है वो एक्स्ट्रा कैसे देखा जा सकता है। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए बार डॉट बी बार। अभी इसकी बात ही नहीं करते, ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं क्या होता है, देन इस पे जाते हैं। क्योंकि हमने एडिशन ऑफ दो वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स हमने देख लिया है, अभी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है वो देखते हैं। बिकॉज एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में अभी कोई भी डाउट नहीं है। फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर दोनों को जोड़ा, हमको रिजल्टेंट मिलेगा, और वो रिजल्टेंट का नेचर क्या होगा भाई, वेक्टर। अभी क्वेश्चन ये होता है कि क्या दो वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपको स्केलर मिलेगा, क्या आपको वेक्टर मिलेगा। अभी आप बोलेंगे सर कितना सिंपल है, अगर वेक्टर प्लस वेक्टर करेंगे तो वेक्टर मिल रहा है, वेक्टर माइनस वेक्टर करेंगे तो भी वेक्टर मिल रहा है। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वेक्टर मिलना चाहिए ऐसा आपको लगेगा, बट ऐसा नहीं है। नाउ पे अटेंशन, दिस इज स्केलर एंड दिस विल बी वेक्टर। क्यों ये स्केलर होगा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। सो रिमेंबर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल ऑलवेज बी स्केलर इन नेचर, एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर will always be vector in nature. Remember this, this is very 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 important. When you take dot product of a vector a bar and a vector b bar, the resultant will be a scalar physical quantity jiske paas sirf aur sirf magnitude hoga, don't expect direction from that. And when you multiply these two vectors a bar and b bar, usko agar cross product ka multiplication hua to resultant will be a vector having some magnitude and of course having some direction because it is a vector. So, बहुत ही important topic है, बहुत ही interesting topic है. So, let's go step by step. इसीलिए मैंने board पे दो divisions कर दिए हैं. Left side पे dot product देखेंगे
और राइट साइड पे हम क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो पहले तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट. उसको पहले हिंदी में सामान्य भाषा में, सादी भाषा में समझ लेते हैं, देन जो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन है वो देखेंगे कि ए बार डॉट बी बार, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ये दो ए और बी. जैसे थ्री और टू को आपको मल्टीप्लाई करना है, सो डॉट करेंगे तो भी आंसर सिक्स आएगा, ये क्रॉस करेंगे तो भी आंसर सिक्स आएगा. ये आपका सादा मैथमेटिक्स जो है, एलजेब्रिक ऑपरेशन है, उसको थोड़ा अभी साइड में रखो, क्योंकि ये फिजिक्स में ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करने वाले हैं. ये बचपन में एट्थ में नाइन्थ में टेंथ में जो आप ऐसे किया करते थे, इट्स फाइन, थ्री इंटू टू इज इक्वल टू सिक्स, थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू इज इक्वल टू सिक्स, डॉट करो क्रॉस करो कोई फर्क नहीं पड़ता. इधर फर्क पड़ता है, बिकॉज वो जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, स्केलर एंड अ वेक्टर, इट हैज पर्टिकुलर मीनिंग. ये तो एक नॉर्मल नंबर्स है ना, कोई भी इंटीजर्स है, जिनको 3 into 2 करो, 2 into 3 करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहां फर्क पड़ेगा. सो नाउ पे अटेंशन, यहां पर ए बार एंड बी बार में हमने डॉट किया है. ये डॉट ए बार का मतलब क्या, ए के ऊपर एरो है मतलब ए वेक्टर, बी के ऊपर एरो है मतलब बी वेक्टर. ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर वाला जो वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में बताया है, तो अगर आपको नहीं पता, भूल गए, तो वो वीडियो भी देखना और कंसेप्ट क्लियर करना, तो ये और डिटेल में क्लियर होगा. फाइन, सो दिस इज ए बार, दिस इज बी बार, और बीच में डॉट है. दैट डॉट रिप्रेजेंट्स दैट ए बार एंड बी बार को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय मींस ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. एंड जैसे मैंने बताया, वापस रिपीट कर रहा हूं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी स्केलर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी स्केलर. सो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार है, एंड ये कॉस ऑफ थीटा है. नाउ व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार. दिस इज वेक्टर ए बार, दिस इज वेक्टर बी बार. सो ए बार और बी बार के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा. सो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार. आप बोलेंगे सर इतना लंबा बोलने की क्या जरूरत है, कॉस थीटा बोलेंगे तो नहीं चलेगा, कॉस थीटा बोलेंगे तो चलेगा, बट व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार. बोलो मेरे साथ और एक बार, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार इज डिफाइंड एज product of magnitude of a bar, magnitude of b bar and cos of theta. उसी theta को बोलेंगे the angle between two vectors a bar and b bar. इतना अगर clear है तो I am damn sure कि आगे जो भी हम derivations करेंगे वो आपको बहुत ही अच्छे से समझेगा, क्योंकि a bar dot b bar is a b cos theta होता है, ऐसा आपको समझना चाहिए. अभी मैं जानबूझकर थोड़ा अलग बोला, मैं बोला a b cos theta, हमने दो बार साथ में ये repeat किया कि a bar dot b bar is mod of a bar which is magnitude of a bar into mod of b bar which is magnitude of b bar into cos of theta. अभी इसी mod को ना हम a लिख सकते हैं, ये मैंने previous session में भी discuss किया है. ठीक है, तो आप go through कीजिए. mod of a bar can be represented as only alphabet a, a मतलब वो scalar है, उसका कुछ तो magnitude होगा. जब जब arrow आएगा तब तब ऐसा समझना है कि उसको direction है और वो vector है. ठीक है, यहां पर b बार जो है वो वेक्टर है, उसको मॉड में रखा है मतलब उसका मैग्नीट्यूड है, तो हम एरो के बिना लिखते हैं ना. तो a b cos थीटा ऐसा भी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये सिंप्लीफाई हो गया a b cos थीटा. सो दिस इज ओनली a विदाउट एन एरो, इट मींस a इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a बार. दिस इज ओनली b विदाउट एन एरो, इट मींस दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b बार एंड दिस इज cos ऑफ थीटा. cos थीटा तो नंबर होता है ना. सो दिस इज what a bar dot b bar is. I hope you are understanding. इसको बार बार go through करो, बहुत 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 important है. आगे हम electromagnetism जब देखेंगे, उसमें जब electric field आएगी, उसमें जब magnetic field आएगी, वो भी vectors होता है. आगे हम जब angular velocity देखेंगे, आगे हम जब angular acceleration देखेंगे, momentum देखेंगे, linear momentum, angular momentum, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर होता है, ये पूरे फिजिक्स में भर भर के स्केलर्स और वेक्टर्स आएगा. दिस इज अ बिल्डिंग ब्लॉक
और अगर समझो आरसीसी जो है वो बिल्डिंग की वो ही अगर सही से नहीं है तो बिल्डिंग गिर सकती है कभी भी। तो इसको एकदम अच्छे से क्लियर रखा ना आपने, तो आगे कौन से भी टॉपिक में जाओ, अगर आप ऑप्टिक्स में जा रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जा रहे हैं, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में जा रहे हैं जहां पर वर्क हो रहा है, हीट हो रहा है, अगर आप काइनेटिक्स में जा रहे हैं, काइनेमेटिक्स में जा रहे हैं, किसी भी मॉड्यूल में जाओ फिजिक्स के, ये स्केलर और वेक्टर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। अगर नहीं समझता है तो कमेंट्स में आप डाउट्स पूछ सकते हैं, अगर नहीं समझता है तो आप बता सकते हैं कि सर इस पे वीडियो बनाओ, इस पे हमको अलग से समझाओ कि नहीं समझ रहा है, बट वी विल ट्राई के इधर ही सब क्लियर हो जाए। फाइन, सो मैं लास्ट बार ये रिपीट कर रहा हूं, इसको समझ लो कि दिस इज ए बार डॉट बी बार, ए बार इज अ वेक्टर, बी बार इज अ वेक्टर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर, और वो अगर स्केलर है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए बार एंड बी बार इज मल्टीप्लीकेशन और द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। देम मतलब कौन, ये दोनों ए एंड बी, ये लाल और ये ब्लू, तो इसको हमने ए बोला है, इसको हमने बी बोला है, ए बार बी बार, ए वेक्टर बी वेक्टर। मैं जानबूझ के एक ही सेंटेंस को दो दो तीन तीन बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो फिक्स हो जाए, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, बिकॉज ये बहुत बारीक सा फर्क है ये डॉट में और ये क्रॉस में। जैसे मैंने बताया ये एल्जेब्रिक ऑपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 × 4 किया तो 20 आएगा, डॉट करो क्रॉस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक नंबर है, इधर ये नंबर नहीं है, ये टर्मिनोलॉजी वेक्टर की है। सो व्हेन वन वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अनदर वेक्टर द आउटपुट द आंसर कुड बी स्केलर, इट कुड बी वेक्टर, ठीक है। तो वो स्केलर कब होगा, जब डॉट होगा, और वेक्टर कब होगा, जब क्रॉस होगा। तो इसकी इस पे तो मैंने खाली इंट्रोडक्शन दिया है, आगे कुछ बोला ही नहीं है कि डेफिनेशन वगैरह क्या होता है। लेट्स कंप्लीट दिस फर्स्ट, इसको डिराइव करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे, देन ही स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, और स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ये पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझेगा, ठीक है। सो दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन अबाउट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स विच विल बी स्केलर, एंड वी सॉ द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर, ए बार डॉट बी बार इज ए बी cos theta, the dot product of two vectors is defined as the product of magnitude of two vector and the cos of angle between them. I hope ye clear hai. Abhi next video mein hum kya karenge, a bar dot b bar ka jo formula hota hai, a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 ye derive karenge. So don't worry about this, we'll gonna derive this in a next session. To aise hi maza karte rahiye, nayi nayi baatein jante rahiye, aap physics padhte rahiye, main physics padhata rahunga kyunki physics hamara, physics tumhara. Namaskar. तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्यास्य बाह्यतः। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप हमको पर्सनली भी बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक पे डाउट है, इस पे वापस एक बार रिवाइज कराइए, ये टॉपिक पे वीडियो एड करिए, तो वी आर डेफिनेटली गोना डू दैट। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट सेशन।